बहुत मुश्किल था वो सब मेरे लिए। रोमेगी मुकद्दरां नूं हीरे मेरिए जे हीरियां दे हार जे हयार खो गया मेरा ए गुलाब मंजूर कर ले सच कहना मेनू सच्चा प्यार हो गया। हेलो दोस्तों, मैं ज़ाइंस खान और आज मेरे साथ है मनोज अंकल। मनोज अंकल को तो आप जानते ही होंगे, एक दो वीडियो पहले आपने देखा था कि किस कदर मैंने और कोशिश किया था कि मनोज अंकल को अपनी कॉलेज लाइफ की फ्रेंड से मिलाया जाए। और अंकल आज मेरे पास आए हैं और क्या बात है अंकल, सारी बातों को आप ही बता दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने ऐसा माहौल क्रिएट किया और मेरे इतने वर्षों पुराने मित्र से मिलाया। यहाँ पे मैं एक बात मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक्चुअली हम लोग उस समय एक तरह से प्यार में लगभग बंध चुके, ठीक है, और समाज का तो तुम जानते ही हो, मैं डिफरेंट जाति से आता हूँ, वो डिफरेंट जाति से आती है, जाति प्रथा उस समय में कितना ये था आपको पता ही होगा। तो उसमें उनकी भी शादी हो गई और बाद में मैंने भी शादी कर ली। मैं चाहता हूँ कि दोबारा उनसे मिलूँ, अपने दबे हुए जो एहसास रह गए थे उसको फिर से जगाऊँ। और ठीक है, शादी नहीं हो सकती है, मित्र तो थी ही हमारी। सही सही बात है, मित्र थी या फिर तो वो मतलब मित्र से कहीं एक कोने में तो वो मित्र से आग जल ही रहा है उसको ये करना था, इसीलिए मैं तुम्हें पहले बुलाया कि तुमको बता दूं कि हम दोनों मिलने वाले हैं। तुम्हारा जो अपना तामझाम होता है, जो अपना लगाना है, वो अपना लगा हुआ के रखो और देखो आने वाली है ना। ठीक है अंकल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ आ गई। हाँ हाँ ये पास में ही है, ये देखो। आ जाओ आ जाओ। आज फिर से ठंड बढ़ गई ना, सोचे थोड़ा धूप में बैठा जाएगा और देखो। मौसम है भाई। और सब ठीक है ना? हाँ वो सब ठीक है। बेटी ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ। और आपकी बेटी आई नहीं? नहीं, उसको थोड़ा प्रोजेक्ट का था, अच्छा, था इसीलिए घर पे ही रह गई। अरे पता है डायरी लाए हूँ। मैं भी लेके आया, किसी मैं भी लेके आया। अरे सारे कुछ लिखते थे पता है, वो कॉलेज के टाइम का सब कुछ कितना याद आता है ना। ये देखो ना, वो जो हम लोग पिकनिक पे गए थे याद है? बाप रे, पापा कितना डांटे थे राजगीर वाले ट्रिप में। एक्चुअली हम लोग बस खराब हो गई तो आने में लेट हो गया था। पापा इतना हम लोग भी घर जाके डांट सुन रहे थे। मजा भी तो बहुत आया था। बोले अब कभी नहीं जाना है ऐसे, कौन सा एकदम तुम लोग का ग्रुप है ये वो। बाप रे, उस समय तो फोन भी नहीं था कि फोन से कोई इन्फॉर्म कर सके, कुछ नहीं। बाप रे गजब बाप। लेकिन बहुत मजा आया था, बहुत रोपवे पे चढ़ने में इतना मजा आया था, इतना डर लगता था नीचे देखो तो बाप रे अजीब महसूस होता था। अकेले अकेले जाना है ना, साथ में जाए तो फिर एक बात हो जाती है बहुत, लेकिन अच्छा था। हाँ वो सब वो दिन भूलने वाले नहीं। अब पता है वहाँ जाने पर वो सब होता भी नहीं है वैसा। नहीं मैं एक बार दोबारा गया था लेकिन कुछ कमी तो महसूस हो रही थी। हाँ। अरे फोटोग्राफ्स भी रखी हो? देखो ना सारा फोटोग्राफ्स है। ये पिकनिक वाला, ये सरस्वती पूजा वाला। अब तुम दिखाओ क्या करते हो तुम, अभी भी संभल के नहीं बैठ सकते हो क्या? तुम ही तो किए। अरे वाह, तुम तो शायर भी थे, ये बात तुमको पता ही नहीं था।
शायर भी तो बना तुम्हारे कारण। छोड़ो हटो लो, पता है मनोज हम भी तुमको लाइक करते थे, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। घर वाले का प्रेशर था और उस टाइम कास्ट बहुत बड़ी चीज़ होती थी, तुमको भी पता है। होती तो अभी भी है, लेकिन अब हम लोग जैसे पेरेंट्स समझने लगे हैं, तब हम लोग अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते। या तो वो सुसाइड कर लेते हैं या शायद मुझे करना पड़ता। यही सब सोच कर उनके आगे झुकते बहुत बहुत मुश्किल से खुद को संभाले। 25 मई 1990 मेरी जिंदगी की सबसे काली रात। उस दिन मैं इतना पिया था कि अगले 2 दिन तक मैं होश में नहीं रहा था। उस गम को मैं कैसे पिया वो मैं समझता हूँ। समझ सकते, हम भी तो गांव चले गए, बोले अब नहीं रह सकते हैं। मेरी सास लोग सब थी गांव में, मैं हस्बैंड से बोल दी कि मैं गांव में ही रहूँगी, यहाँ नहीं रहूँगी। बहुत मुश्किल था वो सब मेरे लिए। उतनो फिर बिटिया के वजह से आना पड़ा, लेकिन चलो अच्छा हुआ कि आने के बाद कम से कम तुमसे मिल तो पाए। को मालूम है तुम्हारे आंसू मुझे पसंद नहीं है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। अरे जानती हो तुम्हारे लिए मैंने कुछ लिखा है। अच्छा लिखते भी हो? अच्छा पहले आंख बंद करो, खोलना नहीं, चीटिंग नहीं होना चाहिए। आंख बंद करो। इसके लिए आंख क्या बंद करना? बंद तो करो, बोल रहा हूँ ना। अच्छा चलो आंख बंद करो। चलो खोले? नहीं अभी नहीं, बदमाशी नहीं, एकदम आंख नहीं खोलना है। मेरा ये गुलाब मंजूर कर ले, सच कहना मेनू सच्चा प्यार हो गया। साइड ते तू अपना गरूर कर ले, देखे अज मेथों इजहार हो गया। हसीन हो मगर कातिल भी तुम हो, कत्ल कर मेरा गाफिल भी तुम हो। घूर के न देख मेरी मैयत को, जा रहा हूँ मेरी मंजिल भी तुम हो। चलो उठ के बैठो, मैं भी कुछ लिखी हूँ। हाँ दिखाओ। थोड़ा बहुत लिखती हूँ मैं भी। मोहब्बत रंग लाती है जब दिल से दिल मिलते हैं। वाह वाह, मोहब्बत रंग लाती है जब दिल से दिल मिलते हैं। मुश्किल तो ये है कि कमबख्त ये दिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। बहुत मुझे शुरू से ही कितने रोज पसंद है पता है ना। इसीलिए तो मैं लेके आया। थैंक यू। इस रोज को ना मैं हमेशा संभाल के रखूंगी, जैसे इस डायरी को संभाल के रखा हूँ और तुम्हारी यादों को। मैंने भी तो तुम्हारी यादों को। अरे तुम अरे वाह, मतलब
सच बताया तो ये सोचे नहीं थे हम भी कि कुछ ऐसा हो आप करने वाले हैं। चलो आप बैठो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ एक्चुअली सारा कारिस्तानी तो इसी का है। दोस्तों वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो चुका है और आपने तो देखा होगा यार बहुत सारे कपल्स को, यंग कपल्स को, बट ये चीज़ ना आपको पहली बार देखने को मिला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके बता दें। वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, वीडियो का कौन सा मोमेंट ज़्यादा क्यूट लगा, प्यार लगा, वो भी बताएं कमेंट करके। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और खासकर वैसे ओल्डेस्ट कपल के पास भी शेयर कर दें। अगर आपको पता चल गया कि ये लोग कपल्स थे मतलब पास्ट में और किसी कारण बिछड़ गए तो उनके पास भी ये शेयर करें। और हाँ यार, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दिया, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।